फायदेमंद होगा। आज का क्लास वैसे प्रश्नों को चुना गया है दोस्तों जो कि हर एक एग्जाम में लगभग यहाँ से एक या दो प्रश्न और से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन देर न करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। और आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, भारत में दो अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य है, ऑप्शन ए झारखंड और उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड और छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। बतलाया जा रहा है कि कोयला उत्पादक में दो अग्रणी राज्य भारत के कौन कौन है। तो हम लोग इतना जानते हैं कि जो कोयला होता है दोस्तों वो चार प्रकार का भारत में पाया जाता है। कोयला भारत में कुल चार प्रकार का पाया जाता है, पिट कोयला, बिटुमिनस कोयला, और तीसरा हो जाएगा लिग्नाइट कोयला, और चौथा हो जाएगा एंथ्रासाइट कोयला। सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट कोयला माना जाता है, जिसमें कार्बन की प्रतिशतता 80% से 95% तक एंथ्रासाइट में कार्बन पाया जाता है। सबसे निम्न प्रकार की कोटि का कोयला पीट कोयला होता है, सबसे निम्न कोटि का कोयला पिट कोयला, जिसमें मात्र 40% से भी कम कार्बन की मात्रा पाया जाता है, इसमें 40% से भी कम कार्बन की मात्रा पाए जाते हैं। यानी बिटुमिनस कोयला का प्रयोग, भारत में बिटुमिनस कोयला का प्रयोग घरों में प्रयोग किया जाता है। घरों में जो प्रयोग होने वाला कोयला है वो बिटुमिनस कोयला है। और दो अग्रणी उत्पादक राज्य के कोयले आपके झारखंड और छत्तीसगढ़ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक प्रश्न और पूछा जाएगा दोस्तों कि कोयला किस चट्टान से उत्पादन किया जाता है। तो कोयला और पेट्रोलियम दोनों अवसादी चट्टान से उत्पादित किए जाते हैं। कोयला और पेट्रोलियम ये दोनों अवसादी चट्टान से उत्पादित किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या दो, भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। भारत के सबसे ज्यादा महाराष्ट्र राज्य में राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है। पहला नंबर पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। महाराष्ट्र में जो राजमार्ग की लंबाई है वो सबसे अधिक है, सर्वाधिक राज्यों से राजमार्ग लंबाई में प्रथम है। राजमार्ग लंबाई में पहला है। और यहां के मुख्यमंत्री सीएम एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। और यहां पर फेमस तमाशा लावणी ये लोकनृत्य महाराष्ट्र की है, तथा रंगोली भी कहा जाएगा, तो भी आपका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या दो दे रखा है दोस्तों, तीसरा प्रश्न, विश्व के खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है। ऑप्शन ए कनाडा में, ऑप्शन बी ईरान में, ऑप्शन सी सऊदी अरब में,
ऑप्शन डी वेनेजुएला। विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल का भंडार वेनेजुएला में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहां पर 304 बिलियन बैरल से ज्यादा यहां पे तेल है। दूसरा नंबर पे सऊदी अरब है, दूसरे नंबर पे सऊदी अरब है, यहां पे 298 बिलियन बैरल सऊदी अरब में खनिज तेल का उत्पादन है, जबकि कनाडा तीसरे नंबर पे 170 बिलियन बैरल कनाडा में है। और एक बैरल बराबर लगभग 159 लीटर माना जाता है। तो यहां पे प्रश्न है दोस्तों कि खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार वेनेजुएला में 304 बिलियन बैरल, सऊदी अरब में 298 बिलियन बैरल, जबकि कनाडा तीसरे नंबर खनिज तेल के उत्पादन में है 170 बिलियन बैरल। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 4। अगला प्रश्न है, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी, ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। सबसे पहले फसल बीमा योजना भारत के कर्नाटक राज्य में लागू की गई थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो है वो सिद्धारमैया और कर्नाटक में एक यक्षगान जो है लोकनृत्य बहुत ज्यादा फेमस है, यक्षगान लोकनृत्य सबसे ज्यादा फेमस है और काफी सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य, काफी उत्पादन में अग्रणी राज्य आपका कर्नाटक है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 5। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है, ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताया जा रहा है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के दोनों प्रसिद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में कहां पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा जैन और बौद्ध धर्म के लिए दोस्तों कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर बी। दोनों यहां पे कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल है, जबकि सारनाथ में महात्मा बुद्ध जी अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, मृत्यु कुशीनगर में, और उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया था, निर्वाण महात्मा बुद्ध भगवान की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाई थी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 6। दे रखा है ढोला लोकगीत लोकप्रिय है, ऑप्शन ए आगरा मेरठ में, ऑप्शन बी इलाहाबाद कानपुर में, ऑप्शन सी गोरखपुर जौनपुर में, ऑप्शन डी लखनऊ सहारनपुर में। ढोला जो लोकगीत है वो आगरा मेरठ के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 7। अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों, इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया था, ऑप्शन ए फ्रैंक लॉयड राइट, ऑप्शन बी सर एडविन लुटियंस, ऑप्शन सी फ्रैंक गहरी, ऑप्शन डी जहां हादिज। इंडिया गेट का जो डिजाइन दिया था वो सर एडविन लुटियंस दिया था, और इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है, इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता, कहां स्थित है, तो गेटवे ऑफ इंडिया जो वो मुंबई में स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया यह मुंबई में स्थित है, जबकि इंडिया गेट आपका नई दिल्ली में स्थित है। और यहां पे सुभाष चंद्र बोस
चंद्र बोस जी की प्रतिमा का आरान इनके ही गेट पर किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 8, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ऑप्शन ए तीली, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी कमल, ऑप्शन डी सूर्यमुखी। भारत का राष्ट्रीय पुष्प या फूल कमल है तथा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 9, उस भारतीय का क्या नाम था जिन्होंने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी तेज बहादुर शत्रु। तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय व्यक्ति बी आर अम्बेडकर थे। गांधी जी ने केवल दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लिया था, केवल दूसरे गोल में सम्मेलन में 1931 ईस्वी में भाग लिए थे और तीनों गोल में सम्मेलन लंदन में हुआ। गोल मेज सम्मेलन सम्मेलन ये लंदन में हुआ है और पहला दूसरा तीसरा तीन गोल मेज सम्मेलन भी पहला आपके 1930 ईस्वी में हुआ जबकि दूसरा 1931 ईस्वी में और तीसरा 1932 ईस्वी में। जबकि 1931 ईस्वी में दूसरे में कांग्रेस ने भी भाग लिया था और कांग्रेस से भाग लेने वाले तीनों गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी थे और महात्मा गांधी जी भी केवल दूसरे में ही भाग लिए। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 10, आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 29। हृदय और आत्मा कहा जाने वाला अनुच्छेद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर सी। पूरे संविधान में सबसे महत्वपूर्ण संविधान अनुच्छेद 32 को बतलाए थे और इस संविधान के अनुच्छेद को हृदय और आत्मा बतलाए थे और इसी अनुच्छेद के द्वारा संविधान में 5 प्रकार की रीट जारी होती है। 5 प्रकार की रीट अनुच्छेद 32 के तहत जारी होती है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक की व्यवस्था है, अल्पसंख्यक की अनुच्छेद 29 में व्यवस्था है तथा अनुच्छेद 21 में प्राण दोहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 11, दे रखा है एलपीजी .. का मिश्रण है, ऑप्शन मीथेन और ब्यूटेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन और प्रोपेन, ऑप्शन सी मीथेन और प्रोपेन, ऑप्शन डी इथेन और प्रोपेन। एलपीजी एलपीजी का फुल फॉर्म होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होगा और इसमें मुख्यतः दो गैस होती हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। घरों में कुकिंग के लिए एलपीजी का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ब्यूटेन और प्रोपेन। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 12, दे रखा है न्यूटन का पहला नियम डॉट के रूप में भी जाना जाता है, ऑप्शन घर्षण का नियम, ऑप्शन बी आघूर्ण का नियम, ऑप्शन सी जड़त्व का नियम, ऑप्शन डी गति का नियम। न्यूटन का पहला नियम, यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगी या विराम में है तो विराम में ही रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था को परिवर्तन न कर दिया जाए, या न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है। न्यूटन ने कुल 3 नियम दिए थे और न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है और इस नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, गैलीलियो का नियम के भी नाम से जाना जाता है और इससे बल की परिभाषा मिलती है, बल की परिभाषा मिलती है प्रथम नियम से और गति का भी नियम न्यूटन ने ही दिया था, गति का भी नियम न्यूटन ने ही दिया था। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 13, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, दे रखा है द सीक्रेट ऑफ द नागास पुस्तक के लेखक कौन है?
ऑप्शन ए झुंपा लाही, ऑप्शन बी अमीश त्रिपाठी, ऑप्शन सी रविंदर सिंह, ऑप्शन डी सलमान रुश्दी। द सीक्रेट ऑफ द नगास पुस्तक के लेखक अमीश त्रिपाठी जी हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सलमान रुश्दी पुस्तक एक फेमस है मिडनाइट चिल्ड्रेन। यह पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 14, हृदय के संकुचन को भी डाटा कहते हैं, ऑप्शन ए सिस्टोल, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी डायस्टोल, ऑप्शन डी ल्यू। हृदय के संकुचन को सिस्टोल या प्रकुचन कहा जाता है या संकुचन कहा जाता है, और हृदय का एकमात्र कार्य है रक्त को पंप करना। हृदय का जो कार्य है वो रक्त का पंप करना। और हृदय संबंधित जो चेकअप किया जाता है ईसीजी चेकअप किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है, ऑप्शन ए टाइटेनियम, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी निकेल। सबसे इन में से गलनांक कम होता है तो वो आर्गन का होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आर्गन और नाइट्रोजन बल्ब में भरा जाता है, बल्बों में कहा जाएगा जो गैस भरा जाता है बल्बों में गैस, वो आपका आर्गन और नाइट्रोजन होता है, तथा टंगस्टन जो होता है टंगस्टन का गलनांक लगभग 3400 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है, और टंगस्टन का गलनांक तंतु का गलनांक टंगस्टन का बना होता है, और टंगस्टन का जो संकेत है उसे W से प्रदर्शित करते हैं।